हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं श्वेता महाडिक और आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूं कि मैंने ये हेयर एक्सेसरी कैसे बनाई है। अब तो बहुत सारे फेस्टिवल्स शुरू होने वाले हैं और मुझे लगता है कि किसी भी साड़ी के साथ या सलवार कमीज के साथ हम ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अब देखिए ये मेरे प्लेन साड़ी के साथ कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 0.2 mm की एक वायर, ये है यूवी डिप रेजिन, रेजिन के पिगमेंट्स, इन सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ये यूवी एलईडी लैम्प। अब सबसे पहले हमें इस वायर को ऐसे लेना है और एक पेटल के शेप में इसको ट्विस्ट करते जाना है। अब इसे सेंटर से थोड़ा सा मोड़ के मैं एक पेटल का इसे शेप दे रही हूँ और अभी इसे यहाँ से ऐसे थोड़ा सा मोड़ेंगे। ऐसे हमें 5 पेटल्स बनाने हैं। अब चलिए रेजिन की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा स्कूपर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा रेजिन निकालेंगे। ये जो यूवी डिप रेजिन होता है, ये हमारा जो यूजुअल नॉर्मल रेजिन होता है उससे काफ़ी गाढ़ा होता है, थिक होता है, इसलिए हमें बहुत ही थोड़ा सा चाहिए क्वांटिटी में। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ बहुत ही फटाफट काम करना है, बिकॉज़ ये बहुत जल्दी सूख जाता है। अब थोड़ा सा वाइट कलर ऐड कर रही हूँ। ये जो कलर्स हैं ये स्पेशली रेजिन के लिए ही बने होते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दो। अब थोड़ा सा पिंक कलर ऐड कर रही हूँ। अब एक पेटल लो और इसको ऐसे इस रेजिन में डिप कर दो और जब इसे आप बाहर निकालेंगे तो ये देखिए ऐसे ये रेजिन ये पेटल के बीच में ऐसे चिपक जाएगा। अब इस पेटल को हमें तुरंत यूवी लाइट के नीचे रखना है, बिल्कुल तुरंत, मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो रेजिन है वरना नीचे एकदम ऐसे मेल्ट होके गिर जाएगा। तो फटाफट हमें इसे यूवी लाइट के नीचे ऐसे रखना है एंड ऑलमोस्ट 1 मिनट में ये प्रॉपरली सूख जाएगा। अब सारे पेटल्स को एक बार फिर से अच्छे से यूवी लाइट के नीचे क्योर कर रही हूँ ताकि ये बहुत ही अच्छे से सूख जाए और बिल्कुल भी कहीं पे भी वेट पैच ना रहे। अब चलिए पूरे फ्लावर की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने फिर से एक वायर ली छोटी सी और उसके अंदर ऐसे इस छोटे से मोती को इंसर्ट करना है और फिर वायर को ट्विस्ट करना है। अब हमें एक एक करके ये पेटल को ऐसे अरेंज करना है। अब नीचे की जो वायर्स हैं इनको एक साथ ऐसे ट्विस्ट कर देना है एंड हमारा ये फ्लावर रेडी हो जाएगा। और देखिए मैंने 2 कलर के फ्लावर्स बनाए हैं, एक पिंक एंड एक पर्पल। अब थोड़े बड़े साइज की मोती लेने हैं और फिर से ऐसे ही वायर के अंदर इंसर्ट करके ट्विस्ट करना है। और अब फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम पूरे हेयर एक्सेसरी को एक साथ अरेंज करेंगे। तो ये फ्लावर्स को, लीव्स को और मोती को अरेंज करना बहुत ही इजी होता है। आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए वैसे आप इनको साथ में रखिए और उनकी जो एंड की वायर होती है उनको एक साथ ट्विस्ट कीजिए। अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है एक साथ सारे फ्लावर्स, कितना कलरफुल और कितना क्लासी भी लग रहा है। अभी एक ब्लैक कॉम्ब लेना है और उसके ऊपर आप इसे चिपका सकते हो या एक ब्लैक धागे से इसे बांध भी सकते हो। मैंने ब्लैक धागे का यूज़ किया है। Isn't it pretty?
कितना प्यारा लग रहा है। आप फुल वाइट भी कर सकते हो, आई थिंक फुल वाइट भी बहुत सुंदर लगेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मेरे इस साड़ी पे कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरा ये DIY हेयर एक्सेसरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।